नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। पेरिस में हुए आतंकवादी हमलों से न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया दहल गई है। आज हम वेब वार्ता में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, पेरिस का हमला हो या फिर मुंबई के हमले की बात करें, लगता है दुनिया ने इनसे कोई सबक नहीं लिया है। बहुत बड़ा और गंभीर सवाल है। दरअसल कि हम सबक लेना किस चीज से चाहते हैं। आज पेरिस के धमाकों से जो गूंज दुनिया में सुनाई दे रही है, दरअसल इसकी जो आहटें हैं वो बहुत पुरानी हैं और उसका इतिहास समझे बगैर अगर हम केवल इन धमाकों पर, इन खून के छींटों पर और इस रोने पर और इन आंसुओं पर जाएंगे तो हम इस मसले के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। बहुत दुखद है जो कुछ भी हुआ। लोग जो निहत्ते, जो मनोरंजन के लिए गए थे, कोई फुटबॉल का मैच देख रहा था, कोई अमेरिकी रॉक बैंड का कंसर्ट सुन रहा था, कोई रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, और हिंदुस्तान के आदमी को इन चीजों से दुख पहुंचने के बावजूद बहुत सारी समानता इसलिए नजर आती है कि उसको पता लगता है कि कभी हमारे यहाँ लोकल ट्रेनों में बम धमाके हो जाते हैं, कभी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर धमाके हो जाते हैं, कभी साइकिल में रखकर बम फोड़ दिया जाता है, कभी सिनेमा घर में बम फोड़ दिया जाता है, और 26/11 का हमला तो हमारे सीने पर इतना बड़ा जख्म, इतना बड़ा नासूर बनकर आज भी पड़ा हुआ है कि जिसमें ताजमहल होटल से लेके मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तक लाशों का अंबार लगा हुआ था। और उस हमले के बाद दुनिया को भी हिल जाना चाहिए था, लेकिन इससे दुखद और क्या हो सकता है कि उस हमले के एक बड़े आरोपी डेविड कॉलमैन हेडली से भारत की जांच एजेंसियों को सीधे बात तक नहीं करने दी गई। तो मुझे लगता है कि ये पश्चिम का जो दोगलापन है, खासतौर पर अमेरिका की जो नीतियां हैं जिसके तहत उसने अपनी चौधराहट कायम रखने के लिए दुनिया में जो नीतियां लागू की, कहीं ना कहीं उन नीतियों की जिम्मेदारी है कि इस तरह के आतंकी हमले दुनिया को सहन करने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका की जो नीतियां हैं, कहीं ना कहीं दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? अमेरिका को खुद भी भुगतना पड़ेगा। अमेरिका ने 9/11 के रूप में एक बड़े हमले को झेला था। ये ठीक है कि वो ताकतवर है, सक्षम है, उसने अपने यहाँ ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था की है कि उसके बाद इतना बड़ा दूसरा हमला अमेरिका में नहीं हो पाया, लेकिन अमेरिका के बाहर दूसरे देशों में इस तरह के हमले लगातार हुए हैं और उन हमलों ने दरअसल एक तरह से अमेरिका को ही संदेश देने की, और अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड इन सब मामलों में नीतियां बनाकर साथ में रहे हैं। आज जब जॉन का पता मिलता है तो ब्रिटेन की एजेंसी सक्रिय होती है और उस पर जो ड्रोन का हमला होता है उसमें वो भी शामिल होती है। निश्चित तौर पर आईएसआई आज इस पूरी दुनिया की मानव सभ्यता के ऊपर एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग बन गया है, एक सिरदर्द बन गया है, और उससे निपटना जरूरी है, और मिलकर निपट रहे हैं तो ठीक है। लेकिन आपको यह भी जवाब देना होगा, जब आप इराक में गए और आपने कहा कि वहां महाविनाश के हथियार रखे हुए और उन हथियारों का सफाया करने के लिए हम जा रहे हैं, और उस सफाई के नाम पर आप रास्ते में जो भी आया उसका सफाया कर जाते हैं, सद्दाम हुसैन को मार गिराते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आप दुनिया को यह बताना जरूरी नहीं समझते कि वहां पर कौन से हथियार थे जो आप ढूंढने गए थे, तो मुझे लगता है ये सवाल जो है आपका पीछा करेंगे, ये सवाल जो है कहीं गुम नहीं हो जाते हैं कभी अंतरिक्ष में। क्या आतंकवाद को किसी विचारधारा से जोड़ के देखा जाना चाहिए? मुझे लगता है कि ये भी एक गलत है। ये जरूर हो रहा है कि बहुत सारी इस्लामी कट्टरपंथी ताकतें हमें इस आतंकवाद के पीछे खड़ी हुई दिखाई देती हैं, और मैं तो ये भी कहूंगा कि आतंकवाद को किसी भी तरीके से न्याय संगत ठहराना, जस्टिफाई करना गलत है। मैं ये भी कहूंगा उन आतंकवादी संगठनों से कि अगर अमेरिका ने गलत किया था कि तो दुनिया के सामने आप उसको एक्सपोज कीजिए, दुनिया के सामने उसको नंगा कीजिए, और अमेरिका के इस दोगली नीति से अगर आपको नाराजी है तो उस नाराजगी को जाहिर करने के मंच है, लेकिन आप उसके, आप बताइए कि जो थिएटर में लोग मारे गए क्या वो उन नीतियों में हिस्सेदार थे? आप बताइए कि जो लोग उस कॉन्सर्ट में मारे गए वो लोग क्या इन नीतियों के हिस्सेदार थे? फुटबॉल स्टेडियम में जो लोग मारे गए क्या वो इन नीतियों में हिस्सेदार थे? तो मुझे लगता है कि किसी भी अन्याय का हमला फिर एक और बड़े अन्याय के जरिए नहीं दिया जा सकता। अगर अन्याय हुआ है तो न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्याय की जो लड़ाई है वो निरीह मासूमों का कत्ल करके, निहत्तों पर वार करके कभी भी आप सच और इंसाफ नहीं हासिल कर सकते। एक चीज और देखी जाती है, कड़ी सुरक्षा के बीच में आतंकवादी आते कैसे हैं? क्या स्थानीय लोगों का सहयोग मिलता है उनको? ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, असल में क्या है कि आप आदमी के चेहरे से पता नहीं लगा सकते कि उसके दिमाग में क्या रखा है। हिंदुस्तान में जितने हमले हुए उसमें सामने पता लगा है, अगर स्थानीय समर्थन नहीं मिला होता तो वो हमले संभव नहीं थे। उधमपुर का हमला कब हुआ? जब लोगों ने सहायता की। दो आतंकवादी नावेद जो पकड़ा गया वो आया था जब पाकिस्तान से, तो उसको ट्रक वालों ने और दूसरे लोगों ने मदद की और वो 10 दिन तक अलग अलग जगहों पर रहा। अगर वो रहने का ठिकाना नहीं मिलता, सिर छुपाने की जगह नहीं मिलती तो कैसे हमले करता? तो फ्रांस में भी ठीक यही हुआ है। अगर 8 लोग अचानक हथियार लेकर अवतरित हो गए, AK-47 लेकर, क्लाशनिकोव राइफलें लेकर कोई इस तरह भीड़ भरे इलाकों में पहुंच गया है तो इतनी हाई अलर्ट वाली जगहों पर, इतनी कड़ी सुरक्षा वाली जगहों पर अगर कोई स्थानीय समर्थन वहां पर नहीं हो, पहले से ऐसे लोग नहीं हो जो उस विचारधारा का, आतंक की उस साजिश का हिस्सा हो, तो इतने बड़े हमले को अंजाम देना संभव ही नहीं है। इस विश्वव्यापी समस्या का समाधान क्या हो सकता है?
देखिए, समाधान तो ये हो सकता है कि इतिहास में हुए किसी खून और नाइंसाफी को मिटाने के लिए नए तरीके से खून की इबारतें लिखी जाएं, ये संभव नहीं है। एक खूनी इतिहास को मिटाने के लिए दूसरा खूनी इतिहास नहीं तैयार किया जा सकता। मुझे लगता है कि जरूरी यह है कि दुनिया की सारी बड़ी ताकतें इकट्ठी हो जाएं। और सबसे बड़ा ये जो होता है कि जब किसी भी पश्चिम के देश में हमला होता है तो एक सुर में सब तरफ से आवाजें आती है कि ये दुनिया आतंकवाद के खिलाफ खड़ी हो जाए, ये दुनिया पर हुआ आतंकवादी हमला है, ये किसी एक देश का मसला नहीं है। लेकिन भारत या एशिया या अफ्रीका के किसी देश में, केन्या में कोई बड़ा आतंकवादी हमला होता है तो दुनिया की ये आवाजें उतनी मुखर उतनी बुलंद नहीं होती। तो मुझे लगता है ये भेदभाव छोड़ना होगा, अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान की परिभाषाओं को इस्तेमाल करना बंद करना होगा। आतंकवाद आतंकवाद है, उसका रंग धर्म मजहब से कोई लेना देना नहीं है। ये हो सकता है कि एक किसी धर्म के लोग, एक किसी संप्रदाय के लोग इन हमलों में हमें अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यही लोग हैं जो सिर्फ आतंकवाद से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर ऐसा है भी तो उसको एक योजनाबद्ध तरीके से कैसे सही राह पर लाया जाए या उस आतंकवाद का खात्मा दुनिया के सारे देश मिलकर करें। आतंकवाद का सिर कुचला जाना है तो चाहे फिर वो कश्मीर में, पंजाब में, भारत की धरती पर, दिल्ली में, मुंबई में फैलाया जाने वाला आतंकवाद हो, या पेरिस में, या केन्या में, या दुनिया के किसी भी अन्य देश में होने वाला आतंकवाद हो, उस आतंकवाद के खिलाफ जब तक सारी दुनिया की आवाज एक नहीं हो जाती तब तक मुझे लगता है हमें इन हमलों का दंश झेलना ही पड़ेगा। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे पेरिस के आतंकवादी हमलों की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।